आई थी सलमान से शादी करने, क्योंकि मेरा उनके ऊपर, मैं उन मेरा क्रश था। एक हेडलाइन है उस पे लिखा है, ही हिट्स मी बिकॉज ही केयर्स, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ थी, क्योंकि सलमान मुझे ये कहते थे कि मैं उनको, पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने ये हेडलाइन जर्नलिस्ट को, मैंने ये कोट दे दिया कि ही हिट्स मी बिकॉज ही केयर्स। शादी के कार्ड्स छप चुके थे, उनकी शादी होने वाली थी, और संगीता ने ओके रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरे अपार्टमेंट में, विंध्याचल में, माउंट मैरी में मैं रहती थी। मैंने एक संगीता के साथ किया, वही मेरे साथ हुआ, तो इसको कहते हैं कार्मा, ठीक है। तो कर्मा। वो मुझे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब जाके पता चला। तो आएगा ना कि 1999 में आप चली गई, फिर आप हाँ 2023 में अगर पोस्ट करती हैं तो क्यों ना आप पर ये आरोप लगे? हाँ इसलिए क्योंकि हम लोगों की बातचीत नहीं थी, मगर ओके जब जब हमारा शो बैंड किया गया तब जो है मुझसे रहा नहीं, वो सच था या झूठ था? जो मैंने लिखा था हाँ जी, बिल्कुल सच था। सलमान बच्चों के साथ बहुत बहुत उनको प्यार है, और जितनी अच्छी तरह वो बच्चों के साथ खेलते हैं और उनको संभालते हैं और उनको प्यार करते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। सलमान ने कहा तुम क्या पी रही हो, तो मैंने कहा थम्स अप, मगर उस थम्स अप में रम थी। तो उन्होंने जब रम टेस्ट की तो उन्होंने पूरा ग्लास मेरे सर पे उंडेल दिया, और पूरा मेरे कपड़े और बाल सब गीले हो गए। बोतल वोतल कोई नहीं तोड़ी थी। तो मनीषा ने कहा हाउ डेयर यू ट्रीट अ वुमन लाइक दिस, हाउ कैन यू ट्रीट अ वुमन लाइक दिस। और मनीषा ने उठ गई और मनीषा ने कहा सोमी यू कम एंड स्टे विद मी, मेरे घर आओ, तुम मेरे साथ चलो। और मैंने उसकी बात ना मानी, तो उसके बाद हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। ऐश्वर्या ने FIR रिपोर्ट लिखवाई थी सलमान के खिलाफ सबसे ओके पहले। और फर्स्ट टी शर्ट मैंने डिजाइन की है ह्यूमन बीइंग, मैंने उनको जो है टी शर्ट भेजी, उन्होंने पहनी, सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने ह्यूमन बीइंग को, मेरी जो टी शर्ट है उसको फ्लिप करके उन्होंने बीइंग ह्यूमन अपनी चैरिटी खोल ली। मैं उनके घर का खाना खाया, उनके घर का नमक खाया है, मैं उनके घर में 2 साल रही हूँ सलमान के घर में, और मैं उनके माँ बाप की बहुत इज्जत करती हूँ। तो ये भी लगता है कि ये जो फिल्में मिली आपको, संजय दत्त, गोविंदा, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, इसमें सलमान खान का भी रोल था रिकमेंडेशन का? बिल्कुल नहीं, पंकज खरबंदा मेरे सेक्रेटरी थे पहले, पंकज जी, पंकज के बाद शशि सिन्हा मेरे सेक्रेटरी थे जो चीची के सेक्रेटरी हैं, और पंकज खरबंदा ने मुझे ये फिल्में दिलाई हैं शुरू में। सलमान बहुत जेनरस आदमी है। जब आई थिंक कपिल शर्मा का जब शो, जब आई थिंक आग लग गई थी, मेरी मम्मी ने बताया जी था जी कि जी सलमान ने पूरा उसके पैसे दे के उसको हेल्प की है कपिल शर्मा जी को। तो ये हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती। मैं जो हूँ फुल फोकस नो मोर टीयर्स पे करती हूँ, सुबह से रात तक नो मोर टीयर्स पे काम करती हूँ, और मेरा मेरा एक सपना है कि मैं इंडिया में नो मोर टीयर्स का एक चैप्टर खोलूँ, ये मेरा एक ख्वाब है। मैं सलमान को आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल द बेस्ट टू बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, और मैं बाकी सब मैं जो हूँ ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं जितना मुझे कहना था और जितना पोस्ट करना था वो मैं कर चुकी हूँ, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, और मैं कार्मा पे यकीन करती हूँ, और मैं ऊपर वाले पे भी मुझे बहुत भरोसा है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेहरबान कदरदान साहिबान, आज मेरे साथ हैं खास मेहमान। खास मेहमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान से है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये रहती अमेरिका में है, लेकिन इनके आप परिचय अगर मैं दूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मॉडल हैं, और तो और हमारी तरह जर्नलिस्ट भी हैं। सो बहुत सारे काम इन्होंने कर लिए हैं, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। अगर आप 90s में पैदा हुए थे तो आपने इनकी फिल्में भी देखी होंगी। नाम है सोमी अली। सोमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप हर बार की तरह आज भी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपनी आवाज जो है लोगों को सुनाने के लिए। जी सोमी, आप फ्लोरिडा में हैं अभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी मायमी फ्लोरिडा में बचपन से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे, जब मैं 9 साल की उम्र की थी तो पाकिस्तान से हम लोग मायमी फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए थे। तो पाकिस्तान जाना हुआ उसके बाद कभी?
जब मैंने इंडिया छोड़ा था 99 दिसंबर में, मैंने इंडिया छोड़ा था 2 दिन के लिए। मैं कराची पाकिस्तान डैडी से मिलने गई थी क्योंकि वो वहीं रहते हैं। उसके बाद मैं वापस घर मायमी फ्लोरिडा अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई के पास आ गई। जी मुझे नहीं पता कि आप कितनी न्यूज पढ़ती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में इन दिनों एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। पाकिस्तान से सीमा हैदर इस वक्त इंडिया में आई हुई हैं, इंडिया से एक मोहतरमा है अंजू जी जो पाकिस्तान गई हुई हैं। लेकिन 90 के दशक में जब आप आई थी तो बहुत सुर्खियां बटोरी थी आपने, क्योंकि बहुत सारे किस्से कहानियां, एक नॉर्मल लड़की कहानी जिसको आज भी लोग सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि नई पीढ़ी में कितने लोग जानते हैं, इसलिए उनको एक बार बता देता हूं मैं कि सोमी अली कहानी बिल्कुल उस ड्रीम गर्ल की तरह थी जो एक फिल्म देखती है, सपनों में आती है और उसके बाद फिर सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अपनों की तलाश में वहां से इंडिया पहुंच जाती है। लेकिन सोमी हाँ, थोड़ी सी पागल, थोड़ी सी पगलेट हम कह सकते हैं, बचपन में बेवकूफी करने के पूरा लाइसेंस होता है। हाँ मुझे लगता है ये 15 से 24 साल की उम्र बहुत खतरनाक होती है। बहुत खतरनाक होती है, 25 साल में तो ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है, तो 25 साल तो आपकी मम्मी फुली डेवलप हुआ तब मैं निकल गई इंडिया से, भाग गई। तो आपको लगता है, आपको लगता है नहीं मम्मी ने सही टाइम पे चमाट लगाई होती तो शायद आप बहुत चीजों से बच जाती। कहा था कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं कहूं तब नहीं निकलना, वो सही कहा था उस टाइम पे उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। ओके ओके, सो ये फ्लोरिडा से इंडिया आने की कहानी क्या थी? अच्छा तो हम लोग अच्छा ये मैंने इतनी दफा बोली है मगर मैं आपको बताती हूँ, हम लोग पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों के बहुत हम लोगों का अच्छा, पाकिस्तान में कराची में कहाँ रहते थे थोड़ा वही बता दीजिए, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी फैंस बहुत सारे हैं। कराची में हम डिफेंस में रहते थे, डिफेंस डिफेंस पता नहीं एक इलाका है, एड्रेस वगैरह भी याद नहीं है मगर डिफेंस में रहते थे ये मुझे याद है। और मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी के स्कूल में थी और वहाँ पे हम लोग बचपन में, मम्मी जो है अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन थी और मैं राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी, और रेखा जी की अभी तक मुझे, मैं कहती हूँ कि उनसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई औरत नहीं है आज तक, वो इतनी मुझे, मैं बिल्कुल ऑब्सेस थी उनसे। तो एनीवे और तो काका जी, लेकिन एक समानता है रेखा जी और आप में, क्या चीज एक समानता आप दोनों में भी है, मोहब्बत दोनों की मुकम्मल नहीं हो पाई। काफी चीजें हमारी जो है मिलती जुलती हैं, जी हाँ। और उनके अलावा और भी काफी लोग हैं जिनकी जिनको सारा कहते हैं ना, मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है इंसान को, तो वही कहानी है। और ये तो चली आ रही है मीना कुमारी के टाइम से और बहुत गुरुदत्त के टाइम से, वहीदा आंटी के टाइम से, काफी लोगों को वो नहीं मिलता है। मैं हैरान हूँ कि ये इतने खूबसूरत, इतने कामयाब, इतने सक्सेसफुल, मगर उनको प्यार के डिपार्टमेंट में जो है ना मात खा जाते हैं ये लोग, तो इसमें जो है थोड़ी किस्मत साथ नहीं देती है कोई। आपकी बात सुनकर मुझे एक शेर याद आ गया, किसी ने खूब कहा था कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। अरे वाह, इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, कभी था कोई ऐसा जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। वाह वाह, जबरदस्त जी, बहुत सच है ये। और मैंने अपनी 16 साल की उम्र से लेके 24-25 साल तक मैं जो हूँ, जब इंडिया में थी तो मैंने 10 फिल्में की, बहुत टॉप एक्टर्स के साथ की, और मुझे इतना मजा आया कि मैं मनोज कुमार जी से मिली, मैं धर्म जी से मिली, और हम लोगों ने पाकिस्तान की इतनी बातें की, क्योंकि पार्टीशन से पहले तो सब पाकिस्तान था ही नहीं, इंडिया ही, हम लोग सब इंडियन है ओरिजिनली, तो हम लोग सब इंडियंस हैं, पाकिस्तान तो था ही नहीं उस समय तो। और डैडी की मम्मी और डैडी के फादर, और डैडी बॉम्बे की पैदाइश है, उनकी पैदाइश वहां की है, और मेरी मम्मी, आपकी मॉम शायद इराक से हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मम्मी इराक बगदाद से हैं और डैडी के मम्मी डैडी बॉम्बे में उनकी पैदाइश हुई है। तो मैं इराकी और इंडियन पाकिस्तानी सब, मुझे कभी कभी मैं भूल जाती हूँ मेरी कंट्री है क्या, मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि मैं बचपन पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में, पिताजी मेरे जो हैं वो इंडिया के हैं और मेरी नानी नाना इंडिया के हैं, उसके बाद पली बड़ी मैं अमेरिका में हुई हूँ, फिर मैं गई 16 से 24 साल तक मैं बॉम्बे इंडिया गई, इंडिया में उसके बाद फिर मैं वापस फ्लोरिडा मायमी घर आई,
तो मुझे मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया, मगर मेरा, मैं सच बोलूंगी और ये मैं पाकिस्तान पाकिस्तानियों को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं हर इंसान से प्यार करती हूँ, चाहे वो नीला हो पीला हो। हमारे घर में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी की गई है कि हम लोग ना ना मजहब देखते हैं, ना हम कंट्री देखते हैं, हम इंसान देखते हैं और इंसान का कैरेक्टर देखते हैं, और वो हमें सिखाया गया है, मुझे और मेरे भाई को। तो मैं इंडिया से ज्यादा इसलिए नजदीक हूँ क्योंकि मैं बहुत, जब छोटी थी 9 साल की, तो हम पाकिस्तान छोड़ चुके थे हम लोग, और तो पाकिस्तान में मेरे कोई टाइज नहीं है सिवाय मेरे फादर के। तो इंडिया मेरे लिए, और आपके फादर भी इंडिया में पैदा हुए थे, तो आपकी इंडिया से, डैडी भी और नानी और नाना भी इंडिया के हैं, बॉम्बे के। तो और मेरे जो टाइज थे, जो मेरे टाइज अभी भी हैं, और मुझे इतना याद आता है क्योंकि 21 साल से मैं नहीं आई हूँ, मुझे इंडिया बहुत याद आता है और मुझे मेरे दिल के बहुत नजदीक है। नहीं, नहीं, हम आशा करेंगे, दुआ करेंगे सोमी कि आप इंडिया आएं और आपके साथ हमें चाय पीने का मौका मिले। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप 16 साल की उम्र में इंडिया आईं, और जब एक्चुअली में एक्ट्रेस बनने की उम्र थी आपकी 25 साल, तब तक मैं देखता हूं कि आप संजय दत्त के साथ काम कर चुकी हैं, सैफ अली खान के साथ काम कर चुकी हैं, ओम पुरी जैसे इतने शानदार अभिनेता के साथ आपने काम किया, सुनील शेट्टी साहब के साथ काम किया, सैफ अली खान साहब के साथ काम किया, सलमान के साथ भी एक फिल्म आपकी आ रही थी, शायद वो रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन जब आपका पीक आ रहा था, 25 एज करियर हीरोइन के मानता है, जब वो पीक शुरुआत होती है, जब वो मैच्योर होती हीरोइन के तौर पर, समझ होती है, आप चली गई, लोग हैरान है कि यार अभी तो उम्र क्या थी जाने की। तो देखिए, मैं इंडिया आई क्यों थी, आप ये सवाल एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे अब आपको करेक्ट करती हूँ कि मैं इंडिया आई थी सलमान से शादी करने, क्योंकि मेरा उनके ऊपर, मेरा क्रश था सलमान, मैंने प्यार किया। हाँ, मैंने प्यार किया, मैंने पिक्चर देखी और मैं पागल हो गई। 15 साल की थी उस समय, तो मैं 16 की भी नहीं हुई थी, और मुझे रात को ख्वाब आया, सपना आया कि तुम्हें जो है इंडिया जाके इस आदमी से शादी करनी है, और ये जो है अल्लाह की तरफ से जो है, मुझे मुझे लगा कि मुझे ख्वाब आया है, तो ये तो साइन है और मुझे जाना चाहिए। तो बचपना था, आपको पता है आपकी कहानी भी फिल्मों की तरह है, ऐसा फिल्मों में दिखाते कि राजकुमारी को सपना आया कि राजकुमार है, और राज यहां तो राजकुमारी सवार होके पहुंच गई अपने राजकुमार के पास। हाँ, तो देखें क्या होता है कि जो मैंने मैंने जो मेरा जो क्रश था, इन्फैटुएशन कह लें, 16 साल में क्या क्या प्यार होता है, बच्ची होती, इंसान बच्चा होता है 16 साल में, दिमाग भी पूरा डिवेलप नहीं होता है, तो जो इन्फैटुएशन था और जो क्रश था वो मेरा प्रेम पे था, सलमान पे नहीं था। तो उनका तो जब मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ वाले भैया, प्रेम प्रेम भैया पे, जी हाँ, तो कैरेक्टर से मेरा क्रश था और इन्फैटुएशन था। जब मैंने असली, इसलिए एक इंग्लिश में एक मिसाल है कि कहते हैं कि अपनी कभी अपने आइडल्स से मत मिलो क्योंकि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड होगे, तो इंग्लिश में ये एक एक्सप्रेशन है। आपने जो ये बात बोली है सोमी, मैं मतलब हालांकि जिक्र करने जा था, लेकिन मैं कैटरीना कैफ का एक इंटरव्यू देख रहा था, एक इंटरव्यू था, तो उसमें कहा गया कि सलमान जो है उनका सारा रोमांस फिल्मों तक का है, अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे वो इतने शांत चुपचाप अनरोमांटिक इंसान है, वो उनका सारा रोमांस फिल्मों में निकल जाता है। तो मुझे आपकी बातें सुनकर वो इंटरव्यू याद आ रहा है। कैटरीना तो बहुत खूबसूरत है और उनको शादी बहुत मुबारक मेरी तरफ से, और उनका करियर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं अगेन कहूंगी कंग्रेचुलेशंस, उनकी नई नई हाल ही में शादी हुई है। और बहरहाल मैं ये कह रही थी कि मेरा जो क्रश था वो प्रेम के ऊपर था, तो मुझे असली इंसान, आप जब तक असली इंसान से मिलते नहीं है, जानते नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पहचान होती है असली इंसान की, और तब आपको असली इंसान की पहचान। नहीं तो मैं बहुत ही ब्लंटली सवाल पूछ रहा हूँ, फिर प्रेम में और सलमान में क्या अंतर है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन में क्या अंतर है? बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं, नाइट एंड डे, मतलब रात जैसे और रात और दिन, क्योंकि मेरी और सलमान की जो एक्सपेक्टेशंस जो मेरी थी सलमान के साथ, प्रेम मैंने प्यार देखने किया देखने के बाद, वो बिल्कुल ऐसे नहीं, बहुत रिजर्व्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थे, अब हैं कि नहीं पता नहीं, उम्र के साथ हर इंसान, हर 10 साल बाद इंसान सोचता है 10 साल पहले मैंने ये क्या कहा, क्या बोला, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात, हर 10 साल ये जिंदगी का उसूल है और रिवाज है
कि हर 5-6 साल बाद इंसान की एवोल्यूशन और ग्रोथ होती है, मेंटली होती है, जिस तरह फिजिकली इंसान जो है एज होता है, इसी तरह इवॉल्व होता है इमोशनली भी. ट्रू ट्रू. तो वो प्रेम नहीं थे, प्रेम के बिल्कुल ऑपोजिट थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे और हाँ जोक्सटर बहुत थे, मजाक बहुत करते थे और कोई उनका एनिमल से बहुत प्यार करते थे वो. तो कोई भी ब्रूज्ड इंजर्ड एनिमल कभी सड़क पे मिले तो उसको वो गाड़ी में डाल के और हॉस्पिटल ले जाया करते थे. ये मैं देखिए आज बहुत सारे लोगों को सदमे लगने वाले हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर आप सोमी अली टाइप करेंगे तो केवल सलमान खान के लेकर कंट्रोवर्सीज आती हैं. आज पहली मर्तबा मुझे लग रहा है आप तारीफ कर रही हैं या लोगों ने आपके तारीफ वाले पार्ट को दिखाया ही नहीं कभी. मेरे ख्याल में मेरे तारीफ वाले पार्ट को लोग देखें बुरा, लोग ज्यादा ज्यादा सेंसेशनलाइज जो न्यूज होती है एज जर्नलिस्ट मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि लोगों को बुरी चीजें जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है. और अभी नया कोई कंट्रोवर्सी आ जाएगी फिर वो दूसरा भूल जाएंगे जो पहले हुई थी. नहीं, तो सुमी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इंडिया पहुंची सो हाउ यू मेट सलमान खान एंड जितनी जानकारी मेरे पास है उस हिसाब से शायद वो किसी को डेट कर रहे थे उस वक्त, एक काफी मशहूर क्रिकेटर की वाइफ बाद में बनी वो उनको डेट कर रहे थे वो. तो मुझे मैं जब मायमी फ्लोरिडा में मैंने प्यार किया देखी उसके बाद एक प्रोग्राम होता था स्टार बज, उस पे गौतम राज अध्यक्ष जो फोटोग्राफर है उनका इंटरव्यू था और उसमें लिखा था कि अगर आपको फिल्मों में आना है या मॉडलिंग करनी है तो आप गौतम के साथ अपना पोर्टफोलियो करिए. तो मैंने वो उनका पता लिख लिया गौतम का, टाउन में रहते थे वो और बहुत अफसोस की बात है कि वो हमें छोड़ के चले गए, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स ऑफ बॉलीवुड ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. तो गौतम को मैंने कॉल किया और मैंने कहा मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे आपके साथ फोटोशूट पोर्टफोलियो करना. 16 साल की उम्र में हम सीरॉक होटल में मैं और मेरे डैडी ठहरे थे तो मैंने फोटोशूट किया. फिर गौतम ने कहा अब तुम सारी मॉडलिंग एजेंसीज में जाके ये फोटो अपनी डिस्ट्रीब्यूट करो, इस पर अपना नाम, एज, फोन नंबर सब कुछ लिखो. तो मैं फार प्रोडक्शंस कैलाश नाथ सुरेंद्र नाम भूल रही हूँ, कैलाश नाथ आरती का जो आरती उनकी पत्नी है उनका वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी फार प्रोडक्शंस. तो फार प्रोडक्शंस में जब मैं एंटर हुई पहली एजेंसी में अपनी तस्वीर लेके उस पर लिखा था पीछे सोमी अली 816 सीरॉक होटल रूम 1707 और मेमोरी बहुत शार्प है. हाँ मेरे पास वो तस्वीर है अभी तक और लेकिन आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो मैंने आपको रूम नंबर तक याद है. अरे उस कमरे की दीवारें बात कर सकती तो खुद ही एक किताब लिखी जा सकती है. तो एनीवेज तो मैंने सलमान इत्तेफाक से सोफे पे बैठे हुए थे फार प्रोडक्शंस में, मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे देख लिया. तो मुझे जब मैं सीरॉक होटल पहुंची तो मुझे शाम को एक फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ सलमान खान बोल रहा हूँ और मैं अपनी होम प्रोडक्शन उसका नाम है बुलंद जिसमें मैं अंधे इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैंने आपकी तस्वीरें फार प्रोडक्शन से ली हैं और मैं आपको अपने ऑपोजिट हीरोइन के तौर पर कास्ट करना चाहता हूँ. तो मैंने कहा कि ये आप कोई मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे हैं, कोई ये मेरे साथ मजाक हो रहा है और अगर आप सलमान खान हैं, पहली बात तो आप नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है. अगर आप हैं तो आप मैंने प्यार किया कि आप वो डायलॉग बोलिए जो सबको बहुत पसंद आया था. तो मैंने प्यार किया में एक डायलॉग था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू ऐसे करके कुछ डायलॉग. तो वो सलमान ने डायलॉग बोला और उन्होंने हंसा और उन्होंने कहा यू आर वेरी स्वीट और उन्होंने कहा मैं सलमान ही हूँ, आप कल मेरे घर आइए. उन्होंने मुझे अपना पता दिया गैलेक्सी अपार्टमेंट्स और मैं और डैडी हम लोग गए. हमने अरबाज को टैक्सी में थे, हम अरबाज को जानते भी नहीं थे, हमने अरबाज से कहा सलमान खान का घर कहाँ है. तो अरबाज हंसने लगे, उन्होंने कहा ये बिल्डिंग है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ. तो इत्तेफाक से मैंने कोई 20-25 कपड़े बदले होंगे क्योंकि मैं सलमान खान से मिलने जा रही थी पहली दफा और मुझे फिल्म की तो कोई परवाह है थी नहीं कि मुझे पिक्चर आपके में मन में तो खूब लड्डू फूटे होंगे तब. क्या चीज आपके मन में तो लड्डू बहुत सारे फूटे होंगे उस वक्त. हाँ, मैंने तो शादी के कपड़े भी दिमाग में प्लान कर लिए थे, बच्चों के नाम भी प्लान कर लिए थे, सब प्लान कर लिया था.
तो इत्तेफाक से मेरा बैड लक था कि सलमान शूटिंग में अटके हुए थे और वो नहीं आए, तो सलीम अंकल अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। हाँ नहीं हुई है तो ना बच्चे हुए ना सलमान को, वैसे बच्चों से बहुत प्यार है जितना हमने सोशल मीडिया के जरिए जाना समझे। जितना सलमान बच्चों के साथ बहुत बहुत उनको प्यार है और जितनी अच्छी तरह वो बच्चों के साथ खेलते हैं और उनको संभालते हैं और उनको प्यार करते हैं मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत इस मामले में एनिमल्स और चिल्ड्रन और इस मामले में और बड़ा दिल होने में किसी को मतलब सलमान खान के केवल उनकी गर्लफ्रेंड साथ इश्यूज रहे, बाकी सबसे अच्छे रिश्ते रहे। क्योंकि सलमान के खुद मैंने सुना कि जब एक इंटरव्यू सलमान खान का देख रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार ब्रेकअप होता तो लगता है सामने वाले फॉल्ट, दूसरी बार सामने वाले में, तीसरी बार सामने वाले में, लेकिन जब छठी या सातवीं बार होता है तब समझ में आना शुरू होता है कि शायद फॉल्ट इधर है, इसलिए एक एक करके लोग निकल रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो सलमान इंसान जो है बहुत अच्छे, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन उनकी बहुत अच्छी चल रही है और मैं उनको कांग्रेचुलेशंस देती हूं। देखिए बीइंग ह्यूमन से मेरे पास क्वेश्चन आया, लेकिन इस क्वेश्चन पर जाने से पहले आई वांट टू नो कि आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। अच्छा, तो हम लोग गए नेपाल प्लेन में बुलंद की शूटिंग करने, मैंने फिल्म साइन कर ली तो मैंने सलमान को एक तस्वीर निकाल के दिखाई अपने वॉलेट से कि देखिए मैं अमेरिका से अपनी आपकी तस्वीर लेके आई हूँ कि मैं अगर भूल जाऊँ आप कैसे लगते हैं, स्टुपिडिटी की बातें मैं करती थी। तो वो हंसने लगे तो कहते हैं कि आप मेरी तस्वीर क्यों लाई हैं, तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से मुझे ख्वाब आया था और ये अल्लाह की तरफ से है कि मेरी और आपकी शादी होगी। तो उन्होंने हंसना, उन्होंने कहा मैं बहुत फ्लैटर्ड हूँ, आई एम वेरी फ्लैटर्ड, हंसने लगे वो। और उस समय वो 27 के थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत फ्लैटर्ड हूँ मगर मेरी एक गर्लफ्रेंड है पिछले 5 साल से। तो मैंने कहा कि अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं पता था कि संगीता बिजलानी इतनी ब्यूटिफुल स्टनिंग मॉडल एक्ट्रेस सलमान खान की गर्लफ्रेंड है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने उनको आपका दिल टूटा या आपको लगा कि नहीं अभी डर के आगे जीत है। मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं कुछ ठान लेती हूँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सलमान को कहा कि ठीक है आपकी संगीता बिजलानी के साथ अफेयर है 5 साल से, मगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरी और आपकी जोड़ी होगी, ये डेस्टिनी में है, हमारी किस्मत में है, ये ऊपर वाले ने मुझे। और ये किस ईयर की बात है, क्या चीज, ये किस ईयर की बात है, 1993 या 4? 1990 नवंबर 1991 29 नवंबर को मैं लैंड हुई हूँ, 1992 की बात है। तो 90 तो मैंने कहा आपकी चाहे गर्लफ्रेंड हो या ना हो, हम तो होंगे साथ में, हमारी तो शादी होगी, ये तो चाहे कुछ भी हो। तो वो हंसने लगे, उन्होंने बच्चा समझ के टाल दिया। बच्चा क्या, उन्होंने सोचा ये बेवकूफ है, फैन है, मतलब उनका करोड़ों लोग उनको ये बात बोल, मतलब फैंस बोलते होंगे, लिखते होंगे। हाँ मतलब वो जो प्रेम भैया वाला कैरेक्टर है उसे देख के तो हम जैसे लड़के भी सोचते थे कि अगर हम भी लड़की होते तो हमारा भी सलमान खान क्रश होते, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान खान। हाँ एग्जैक्टली। हाँ सो देन हाउ योर लव स्टोरी स्टार्टेड, ये तो संगीता बिजलानी को डेट कर रहे हैं, फिर सोमी अली गर्लफ्रेंड कब बनी? तो एक साल बीत गया तो मैं 17 साल की हो गई। उसके बाद इवेंचुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता शूटिंग तो हमने काफी कर ली थी, मगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम था, मुझे उस समय समझ नहीं आया, मेरे सर से बात ऊपर चली गई, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ एग्जैक्टली, मगर आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स को पसंद नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा सुपरस्टार जो इस वक्त है, बागी, पत्थर के फूल, मैंने प्यार किया के साथ, मैंने प्यार किया, ब्लाइंड कैरेक्टर जो है वो क्यों प्ले कर रहा है, तो वो आई थिंक इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई थी ये बात। तो इसलिए कितने टाइम शूटिंग हुई थी बुलंदी की, बुलंद नाम था फिल्म का, नेपाल में बहुत शूटिंग हुई थी हमारी और सलमान के साथ, गाना भी हमने आधा किया था, काफी शूटिंग हुई थी और मैं वो फुटेज चाह रही हूँ कि मुझे मिले किसी तरह,
मैं बहुत चाह रही हूँ किसी तरह वो मुझे फुटेज मिले. तो मैं मुझे मुझे याद है रफी काजी एक उनके प्रोड्यूसर भी वो भी हुआ करते थे. मैं उनको ढूंढूंगी और मैं उनसे मांगूंगी फुटेज की, मुझे भेजिए थोड़ा तो कुछ तो भेजिए मेरे बचपन की यादें. तो एनीवे तो उसके बाद एक साल बीत गया और आहिस्ता आहिस्ता शूटिंग के टाइम पे भी हम थोड़ा नजदीक आ गए और फिर उन्होंने जो मतलब आपने ब्रेकअप करवा दिया हम ये कह सकते हैं. हमने हमने घर तोड़वा दिया, ब्रेकअप करवा दिया. उनकी शादी रुकवा दी, उनके शादी के कार्ड छप चुके थे, उनकी शादी होने वाली थी और संगीता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरे अपार्टमेंट में विंध्याचल में, माउंट मैरी में रहती थी. तो संगीता आ गई थी दरवाजे पे, उन्होंने सलमान को और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था. हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और सलमान, संगीता ने कहा था कि आप पिक करो मुझे या सोमी को. तो सलमान ने कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ. तो मुझे नहीं, बट सोमी केवल बात करने से संगीता इतना क्यों परेशान हो गई? या आप बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज में जवाब दे रही हैं. नहीं नहीं, उनको अफवाहों का, उनको पूरा पता था कि फुल फ्लैट सोमी अली के साथ सलमान का अफेयर चल रहा है. फुल फ्लैट उनको पता था, उनकी इस बात, उनको इस बात. एंड सोमी अली को इस बात का रिग्रेट नहीं था कि शी वाज डेटिंग अ गाय जो ऑलरेडी कमिटेड है या मेरे सपने पूरे हो जाएं? नहीं, कद्दू जरा भी नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की तरफ से आया था और मैं छोटी थी और बेवकूफ थी और अकल नहीं थी. और जो जो मेरे साथ, जो मैंने संगीता के साथ किया वही मेरे साथ हुआ. तो इसको कहते हैं कार्मा, ठीक है? तो वो मुझे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब जाके पता चला. लेकिन ये हम कह सकते हैं ना कि सलमान खान की शादी सोमी अली की वजह से नहीं हुई, क्योंकि इकलौती बार कार्ड तभी छपे थे. आई थिंक बहुत नजदीक डेट भी आ चुकी थी. 100% उन्होंने वो 10 मिनट में वापस आए. मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको आपको पिक किया है, संगीता को मैंने ब्रेकअप कर दिया है. तब 1992 की बात कर रहा हूं. 92 की बात है ये. तब हमारा लव अफेयर शुरू हुआ और वो लव अफेयर जो है, जो फेरी टेल जो मैं अपने दिमाग में सिंड्रेला वाली वो जो मैं सोच के लाई थी, वो एक भयंकर मूवी बन गई जो 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 फेरी टेल थी. और मैं इसमें मतलब ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, मगर ये है कि बहुत अनहेल्थी रिलेशनशिप थी. सलमान, हर इंसान में बहुत अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता. इन दुनिया ग्रे है, इंसान ग्रे है, हम लोगों की पर्सनालिटी ग्रे है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कोई पूरा अच्छा नहीं होता, कोई पूरा बुरा नहीं होता. और जरूरी नहीं है कि सलमान जिस तरह आपके साथ पेश आए उसी तरह वो मेरे साथ बंद कमरे में पेश. सही बात है. हर इंसान के रिश्ते अलग अलग इंसान से अलग अलग तरीके के होते हैं. जिस तरह मैं अपने पिताजी से बात करती हूँ, मैं अपनी मम्मी से डिफरेंट तरीके से बात करती हूँ, उनसे ज्यादा ओपन हूँ, क्लोज हूँ, मजाक कर सकती हूँ. इसी तरह जिस तरह लोग जब मुझे कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और ये अपने पब्लिसिटी के लिए बोल रही है, तो मुझे पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? मैं एनजीओ 15-16 साल से चला रही हूँ, हमें बराक ओबामा और जॉर्ज बुश का अवार्ड मिला है, मैं लॉरियल वुमन ऑफ वर्ल्ड 2013 रह चुकी हूँ. मैं हम लोगों नहीं, ने तो सोमी देखिए ये पब्लिसिटी की बातें इसलिए निकल कर आती हैं. अब मैं थोड़े सीरियस क्वेश्चन लाता हूँ एंड आई एम श्योर कि आप ऑनेस्ट इंसान है, आप ऑनेस्टी से जवाब देंगी. एक सुबह हम उठते हैं, सारे चैनलों पर, उस वक्त मैं एक न्यूज चैनल में काम करता था, सारे चैनलों पर खबर चलती है कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने कुछ पोस्ट किए जिसमें बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए. उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाते हैं. ऐसा पहले भी कई बार हुआ है. सलमान खान को लेकर आपने कई सारी ऐसी बातें कही जो बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं. हालांकि सलमान खान ने कई ऑडियो कॉल्स, उनकी और भी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं जिसको लेकर आए हैं, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने कुछ बॉयफ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर आरोप लगाए हैं, जिसमें विवेक ओबराय जी का नाम है. लेकिन किसी लड़की ने आरोप नहीं लगाए थे. आई थिंक आप पहली लड़की थी जिसने सार्वजनिक मंच पर कुछ पोस्ट किया. और हमें जितना पता है वो ये भी पता है कि आपने डिस्कवरी में एक शूट, कोई शो कर रही थी आप, जिसको इंडिया में शायद बैन कर दिया गया. ऐसी बहुत सारी कहानियां निकल कर आई, आपके एनजीओ को फंडिंग रुकवा दी गई. तो ऐसा लगता है कि आप लोग दूर दूर हो गए हैं, बट एक खटास, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी चल रहा है इंडिया से लेकर फ्लोरिडा तक में. कितनी सच्चाई है? पहले मैं आपको करेक्ट करूंगी कि ऐश्वर्या ने FIR रिपोर्ट लिखवाई थी सलमान के खिलाफ. पहले ऐश, माय बैड, ओके. और ऐश के जो भाई हैं उन्होंने स्टे अवे ऑर्डर
सबमिट किया था कोर्ट को सलमान के खिलाफ, तो सबसे पहली जो जो बहुत गट्स और एलिगेशंस लगाए वो ऐश्वर्या राय, जिस इंसान है वो है ऐश्वर्या राय, जिन्होंने पहला कदम लिया। ऐश्वर्या के बाद उसके बाद मैंने जो है पोस्ट किए और मैंने अपने जो जितनी भड़ास निकालनी थी मैं पोस्ट में निकाल लेती थी, और मुझे गालियां पड़ती थी इंस्टाग्राम से औरतों से कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रही है, झूठ बोल रही है, पब्लिसिटी के लिए कर रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा, अब मैं 21 साल बाद मैंने ये क्यों पोस्ट किया, क्योंकि हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन तो आएगा ना कि 1999 में आप चली गई, फिर हाँ, आप 2023 में अगर पोस्ट करती हैं तो क्यों ना आप पर ये आरोप लगे। हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोगों की बातचीत नहीं थी, मगर जब हमारा शो बैंड किया गया तब जो है मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप क्या था इस शो में, ये डिस्कवरी शो था हमारी एनजीओ नो मोर टीयर्स के ऊपर, और 9 एपिसोड्स थे, और ये इन्होंने इंडिया में बैंड करवा दिया था जाके डिस्कवरी प्लस के ऑफिस में, तो तब मैं जो हूँ मुझे बहुत ठेस लगी। और मैं देखें, मैं इन इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जो इंसान जैसा करता है वैसा बढ़ता है, और मैं कार्मा में बहुत बिलीव करती हूँ कि मैंने जो संगीता के साथ किया वो मेरे साथ हुआ। और आपके साथ किसने गलत करवाया, आपका ब्रेकअप किसने करवाया? देखें, जब मैं सलमान के साथ, जब मैं 24 साल की थी, हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हो रही थी उस समय, उन लोग ऐश्वर्या और सलमान का सबको पता है कि उन लोगों का अफेयर चल रहा था, तो जब आपने भी वैसे ही पकड़ा था जैसे आप कह रही हैं आपके साथ, पकड़ने की जरूरत नहीं थी, मेरी रिलेशनशिप इतनी बुरी हो चुकी थी और मेरी मतलब जिस्मानी हालत इतनी और इमोशनली हालत ट्रॉमा इतना हो चुका था कि मेरे लिए बेहतर था कि मैं वापस मायमी फ्लोरिडा जाऊं, 9th standard से मैंने ड्रॉप आउट किया था अपना एजुकेशन, हाई स्कूल खत्म करूं और मैं अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री खत्म करूं और मैं अपना एनजीओ शुरू करूं। तो ये जो नो मोर टीयर्स है आसुमी, नो मोर टीयर्स का मतलब अब और आंसू नहीं जी, ये क्या आपने अपने आप से इंस्पिरेशन लिया कि जो आपके साथ हुआ वैसा किसी और साथ, फिर नो मोर टीयर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने कहा ना यहां से आपको एनजीओ की प्रेरणा मिली, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट क्या जो आपने अपने इंस्टा पे लिखा था एलिगेशंस कि आप फिजिकली अब्यूज हुई थी, मेंटली अब्यूज हुई थी, वो सच है? आप हल्का सा बता सकती हैं, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट सबने देखे समझे पड़े हैं। हाँ, ये सच है, ये सच है। और मैंने नो मोर टीयर्स, मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने ये नाम रखा था नो मोर टीयर्स, क्योंकि मेरी मम्मी जो है विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रह चुकी हैं बचपन में, जब हम छोटे थे मैं और मेरे भाई, और मेरी मम्मी मुझे आज भी कहती हैं कि काश जब मेरे साथ जो हो रहा होता तो काश तुम बड़ी इस उम्र की होती और एक नो मोर टीयर्स होता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं मम्मी की ये बात सुनती हूँ। तो व्हाट इज एग्जैक्टली नो मोर टीयर्स, हमें थोड़ा आप समझाइए इस बारे में। टीयर्स का मिशन ये है कि जितनी भी औरतें, आदमी, बच्चे इंडिया से, सऊदी अरेबिया से, रशिया से, यूक्रेन से, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली यहाँ लाए जाते हैं और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेबर ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग या लेबर ट्रैफिकिंग, जैसे आलिया ने बहुत अच्छी फिल्म की थी, मैं नाम भूल रही हूँ, हाईवे नहीं, गंगूबाई करके, गंगूबाई, हाँ गंगूबाई, हाँ हाँ जी, जबरदस्त एक्टिंग की थी उसमें। तो हम असलियत में मैं FBI के साथ जाती हूँ, पुलिस के साथ जाती हूँ, और मैं इन औरतों और बच्चों को और इवन आदमियों को, छोटे बॉयज को, इनको हम लोग बचाते हैं। तो ज्यादा करके मायमी में हिंदी और उर्दू बोलने वाले कोई और NGOs नहीं है, सिर्फ नो मोर टीयर्स है। तो हमें पुलिस जो है सिर्फ नो मोर टीयर्स को कॉल करती है अगर कोई साउथ एशियन विक्टिम हो, तो अगर, और मैं थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ लेती हूँ, डैडी मेरे 4 languages बोलते हैं, मगर मैं जो हूँ पंजाबी समझ, क्योंकि पंजाबी हिंदी थोड़ी क्लोज रहती है, मैं बोल नहीं सकती मगर समझ लेती हूँ,
तो हाँ, वो हमारे साथ भी, हम भी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। हाँ, तो पंजाबी विक्टिम हो तो वो मुझे कॉल करते हैं पुलिस वाले। तो हम नहीं, तो क्या ये सोमी, क्या ये वही एनजीओ है जिसकी फंडिंग बाद में इंडिया में बैन करवा दी गई? क्योंकि हमें जितना पढ़ा हमने कि इंडिया से भी बहुत सारा फंड मिलता था आप लोग को, लेकिन वो डिस्कवरी वाली स्टोरी के बाद बंद हो गया। हमारे मेजॉरिटी जो डोनर्स थे वो इंडिया के आते, इंडिया से आते थे, और वो डोनेशंस भी बंद हो गए। और उन औरतों और बच्चों और आदमियों को जिनको बचाने के हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी भी छिन गई। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मेरे मेरे शो को बैन किया, मुझे इस बात का दुख है कि आपने महिलाओं को और बच्चों को और आदमियों को और LGBTQ कम्युनिटी को, जिसको अभी भी अपनाया नहीं जाता और अभी भी इज्जत नहीं दी जाती है 2023 में जो वो डिजर्व करते हैं, उनको, उन सबको जिनकी हम मदद करते हैं, आपने उनको जो है बहुत दुख पहुंचाया। सो मैं यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन करूंगा मैं, क्योंकि सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, मैं खुद उनका प्रेम वाले कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, मैंने उनको बहुत एडमायर किया है। आपने ये एलिगेशन जो लगाया, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे और तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि नो मोर टीयर्स बंद करवा के सलमान खान को क्या मिलेगा? वो तो खुद एक एनजीओ चलाते हैं, बीइंग ह्यूमन, जिसमें कहा जाता है लाखों लोगों की मदद करते हैं। नो मोर टीयर्स उन्होंने बंद नहीं करवाया, उन्होंने डिस्कवरी में 9 एपिसोड का हमारा सीरीज था, 3 महीने तक डिस्कवरी प्लस और अमेजोन प्राइम ने उन्होंने हमें फॉलो, मुझे फॉलो किया दिन से रात तक। तो जब मैं रेस्क्यू करती थी विक्टिम्स को तो वो कैमरा पे था, मगर सेकेंड एपिसोड मैंने बिना सलमान का नाम लिए, मैंने कहा था मैं एक इंडियन एक्टर को डेट करती थी सेकंड एपिसोड में शो के, और मैं वो एक्टर मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करते थे। तो ये सलमान को जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने उस समय ये शो बैन कर दिया। क्या आप जो सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं उसमें भी आपको आपके मैनेजर्स को आपके पास कॉल्स आती है कि आप वो पोस्ट हटा दीजिए, क्योंकि अगर डिस्कवरी पहुंचे तो आप तक भी अप्रोच करते होंगे? हमारे जो पब्लिसिस्ट हैं प्रशांत, जो जबरदस्त पब्लिसिस्ट हैं, मतलब उन्होंने सोमी अली को जो 21 साल से गायब थी, उन्होंने लाइमलाइट में ले आए, ऐसे लाइमलाइट में ले आए कि मैं हैरान हूँ कि मैं गूगल करती हूँ अपना नाम तो हर जगह आर्टिकल पे आर्टिकल आते हैं। तो प्रशांत ने तो बहुत जबरदस्त काम किया है, मगर प्रशांत जो है बहुत अच्छे पब्लिसिस्ट है। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या आपने जब इंस्टाग्राम पोस्ट डाली यही बातों को लेकर, तो आपको या आपके मैनेजर को भी कॉल आई कि इसको रिमूव कर दिया जाए, या केवल डिस्कवरी तक था वो? नहीं, सिर्फ डिस्कवरी तक था, और मुझे कोई कॉल नहीं आई, मुझे सिर्फ प्रशांत जो है वो मुझे गाइड करते हैं और सही गाइड करते हैं। तो मैंने ये पोस्ट करना बेकार है, क्योंकि जो बोलना था तो बोल दिया। अब इससे ज्यादा आप महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती हैं, आप वुमेन के लिए लड़ाई लड़ती हैं, आप उनको बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो आपने एलिगेशंस लगाए, तो जो हम कमेंट सेक्शन उस दिन मैंने भी क्योंकि चेक किया था वो आपके पोस्ट, तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर भड़क रही थी। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे जिन्होंने आप पर एलिगेशन लगाए कि सोमी अली को पब्लिसिटी चाहिए अब 22 साल 21 साल के बाद? देखें, पब्लिसिटी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे इतनी पब्लिसिटी मिली है इंडिया में भी और यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, क्योंकि हमें जो अवार्ड्स, बराक ओबामा कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और जॉर्ज बुश बहुत बात नहीं है, और वुमेन ऑफ वर्ल्ड लॉरियल का होना भी बहुत कोई छोटी बात नहीं है। तो हमें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, हमें पब्लिसिटी अमेरिकन मैगजीन्स में भी बहुत मिलती है, और पब्लिसिटी तो प्रशांत भी नो मोर टीयर्स के लिए कितना करते हैं, बहुत किया है उन्होंने। तो ये पब्लिसिटी, अगर ये जो हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, खास करके औरतें, आप ये एक चीज, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपको सोमी अली मायमी फ्लोरिडा में बैठी हुई है, आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, या कि आपको सलमान खान जो सुपरस्टार हैं और जिनके पास फेम है, पावर है, और जो वो चाहे वो कर सकते हैं बिना कॉन्सिक्वेंसेस के, आप उनकी साइड लेंगे या एक सोमी अली की साइड लेंगे, एक औरत की जो 21 साल बाद जो है वो ये पोस्ट कर रही है और लोग सोमी अली? देखिए, आपके सवाल का जवाब आपको मैं खुद दे रहा हूँ, हम और आप बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं आपका वर्जन जानना चाह रहा हूँ, जो मैंने तमाम आर्टिकल्स पढ़े, जिस पर मैंने भी स्टोरीज बनाई, उसमें आपका पक्ष क्या है वो मैं जानना भी चाह रहा हूँ, और पूरी ईमानदारी के साथ सलमान खान को लेकर स्टैंड लेते हुए आप सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं अपने दर्शकों को फैसला करने दूंगा कि आपकी बात उनकी बात दोनों सुनकर वो डिसाइड करे। सो मैं तो सच के साथ हूँ, आप जनता जिसके सच मानेगी, हम उस तरफ खड़े हुए।
तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसान मंद हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं हैरान हूँ और मैं शॉक्ड हूँ शुभांकर, कि सारे जो मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं इंस्टाग्राम पे और इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं आदमियों ने, और मैं हैरान हूँ कि औरतों ने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं मेरे लिए कि मैं आपको, मतलब मैं बोल नहीं सकती क्योंकि सेंसर करना पड़ेगा इतनी गंदी। बट सोमी देखिए, ये जो बातें आती हैं इसके पीछे एक्चुअली कई वजह भी है। जैसे सलमान खान का बीइंग ह्यूमन बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में। आप किसी भी मॉल में जाते हैं, बीइंग ह्यूमन नजर आता है, उसका लोगो, उसकी डिजाइन, उसके जरिए हेल्प, साइकिल बांटना, बहुत सारी चीजें हैं, और सलमान खान उसको काफी प्रमोट भी करते हैं, उनकी फिल्मों में भी आता है। फिर अगर सोमी अली एलिगेशन लगाती हैं कि बीइंग ह्यूमन जो है एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग था जिसको सोमी अली ने डिजाइन किया था, जो सोमी अली का थॉट प्रोसेस था और सलमान ने वहां से इंस्पिरेशन लिया, तो ये कहानी क्या है? और इसी वजह से कई लोग आरोप लगाते हैं, तो इसके पीछे कहानी क्या पहले आप बता दीजिए, फिर हम आपको इसको लेकर एक दो काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे। मगर इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। सलमान को मैंने कॉल करके मैंने कहा था कि मैं नॉन प्रॉफिट शुरू कर रही हूँ, उसका नाम है नो मोर टीयर्स, और वो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए, और मैं उसी के साथ टी शर्ट लाइन शुरू कर रही हूँ। मेरी पहली टी शर्ट का नाम है ह्यूमन बींग, और जो मैं आपको भेजूंगी तो आप पहनिएगा। और उन्होंने पहनी, शोज में पहनी भी, डांस शोज में पहनी भी मेरी टी शर्ट। उन्होंने नो मोर टीयर्स, किस ईयर की बात बता रही हैं आप? ये मुझे YouTube पे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप YouTube पे ढूंढने के सलमान, ये इंडिया से जाने के बाद है या इंडिया में रहते हुए? नहीं नहीं, जब मैं अमेरिका आ चुकी, जब मैं पढ़ाई खत्म कर चुकी थी, नो मोर टीयर्स शुरू हो चुका था, तब की बात है ये। तो लास्ट टाइम सलमान खान से बात कब हुई आपकी? मेरी लास्ट बार सलमान से 2021 में हुई थी, जब डिस्कवरी प्लस फिल्मिंग कर रहा था और हम लंच ब्रेक पे थे। इत्तेफाक से अननोन कॉलर आया, अननोन कॉल आता, तो अननोन कॉल विक्टिम्स या पुलिस या एफबीआई करते हैं, तो हम फोन उठाते हैं जब अननोन कॉल आता है। तो सलमान जो उन्होंने कहा था कि आपको मेरे बारे में, मैंने सुना है डिस्कवरी का, आपको मेरे बारे में जो कहना है आप कहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये कह के मैंने फोन रख दिया। और मैंने कहा, फोन रखने से पहले मैंने ये जरूर कहा कि आप मुझे आइंदा फोन मत करिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे अननोन कॉल्स उठाने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ विक्टिम्स हैं और उनको जरूरत है और वो नीड में है। तो ये 2021 में मुश्किल से एक मिनट से भी कम की कॉन्वर्सेशन ये हुई थी, बस इतनी सी। तो हाँ जी, तो ये बीइंग ह्यूमन की कहानियां बता रही थी हमें। अच्छा, तो बीइंग ह्यूमन की यही कहानी है कि मैंने उनको बताया कि मैं फाउंडेशन शुरू कर रही हूँ, टी शर्ट लाइन शुरू कर रही हूँ, और फर्स्ट टी शर्ट मैंने डिजाइन की है ह्यूमन बीइंग। मैंने उनको जो है टी शर्ट्स भेजी, उन्होंने पहनी, सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने ह्यूमन बीइंग को, मेरी जो टी शर्ट है उसको फ्लिप करके उन्होंने बीइंग ह्यूमन अपनी चैरिटी खोल ली, और उन्होंने अपनी चैरिटी खोल ली और उन्होंने उसके बाद टी शर्ट लाइन भी शुरू कर दी। तो आपके आइडिया को उन्होंने अप्रिशिएट किया था जब आपने उन्हें ह्यूमन बीइंग वाला आइडिया बताया था? जब मैंने उनको अपना नो मोर टीयर्स का आइडिया बताया था कि हम ये, मैं ये टी शर्ट लाइन और ये डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब, तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं चलेगा और ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो वो इसके अगेंस्ट थे, तो उन्होंने मुझे डिस्करेज किया था। तो जब भी मुझे कोई, मैं बहुत जिद्दी, बचपन से जिद्दी हूँ और बहुत रिबेलियस हूँ, तो अगर मुझे डैडी कहते हैं, मुझे याद है पाकिस्तान में मैं जब मस्जिद में हम लोग जाते थे, डैडी के साथ मैं जाती थी हाथ पकड़ के, छोटी थी, तो मैं कहती थी कि औरतें अलग क्यों बैठती हैं आदमियों से, ये क्या चक्कर है कि हम लोग साथ क्यों नहीं बैठते हैं। तो मैं बचपन से सवाल करती थी और रिबेलियस थी और जिद्दी थी। तो मैं वो आप अभी भी हैं? हाँ, वो मैं अभी भी हूँ। और मुझे किसी का देखें, मुझे सिर्फ खौफ है ऊपर वाले का, चाहे आप उसको कह लें, अल्लाह कह लें, जीसस कह लें, सब एक ही है। हम लोग सब ऊपर वाले से शिकायत नहीं की आपने कि ख्वाब दिखा दिया, ख्वाब को पूरा करने के लिए आप पहुंच गई, फिर वो सपना टूट गया? नहीं, मैंने इसको पॉजिटिव जो है ट्विस्ट दिया कि अगर मेरे साथ जो नहीं हुआ होता, सिर्फ इंडिया में नहीं, बचपन में जो मेरे साथ हुआ है पाकिस्तान में, और 14 साल की उम्र में मेरे साथ जो सेक्सुअल रेप हुआ है मायमी में, ये सब अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस के घर में मैं पैदा पली बड़ी हूँ, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मैं नो मोर टीयर्स को बर्थ नहीं देती, जन्म नहीं देती नो मोर टीयर्स को। तो
तो इंसान जब बुराइयां होती हैं इंसान, मैं इस पर ये जो आपने बात बताई इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे इंडिया में भी कई लोग याद आते हैं, बड़ी एक्ट्रेस जो कई बीमारियों का शिकार होकर तन्हाइयों में फिर उनकी डेथ हो गई, उस भी जिक्र करूंगा। लेकिन ये बींग ह्यूमन पे क्लास कॉमेंट, आपने शिकायत नहीं की फिर आपने कि आपने मुझे डिमोटिवेट किया और आपने खुद कर लिया, फिर वो एक बड़ा ब्रांड बन गया और आज इंडिया में छाया हुआ है, दुनिया भर में बातें होती हैं, आपने कभी शिकायत नहीं की इस बात की? मैंने अभी 5 साल पहले मैंने सलमान जी से मुलाकात की, अर्पिता से मुलाकात की, और उससे पहले सीमा सोहेल आए थे जब मायमी, उनसे जब भी वो लोग आते हैं मैं उनसे मिलती हूँ, मैं उनकी फैमिली की बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने उनके घर का खाना खाया, उनके घर का नमक खाया है, मैं उनके घर में 2 साल रही हूँ सलमान के घर में, और मैं उनके माँ बाप की बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं ये अभी तक कहती हूँ दावे के साथ कि जितना सलमा आंटी का बड़ा दिल और जितनी अच्छी औरत वो हैं और जितनी अच्छी माँ वो हैं, वो हर बेटे को हर बेटी को ऐसी माँ मिले, वो बहुत अच्छी औरत है, और मेरी हमेशा मरते दम तक मेरी इज्जत उनके लिए रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये नहीं, बहुत खूबसूरत बात है कि आप शिकायतें भी कर रही हैं लेकिन उसमें मोहब्बत का इजहार भी कर रही हैं, वहां वहां जो अच्छे मेमोरीज रही हैं। सो सोमी अली बॉलीवुड को मिस करती है? बहुत बॉलीवुड को मिस करती हूँ, मगर ज्यादा इंडिया को मिस करती हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं इंडिया में क्या देखा आपने, इंडिया में देखा क्या आपने, इंडिया में क्या क्या नहीं देखा आपने? मुझे ताजमहल देखना था जो मैंने नहीं देखा, मगर मेरी फेवरेट जगह इंडिया में राजस्थान है, तो राजस्थान है, मुझे जाना है, जयपुर जैसलमेर उदयपुर ये सब जगहों पे जाना है, तो वो डेफिनेटली जाना है। तो अगर आपको कभी आना हुआ इंडिया तो हम पक्का प्रॉमिस करते हैं आपसे कि हम आपके लिए आपके मैनेजर से बात करके, अगर कभी आपकी आने की तमन्ना हुई तो डेफिनेटली जी। अब आपकी डिस्कवरी की बात हमने कर ली, सोमी अली फिल्मों को मिस करती हैं एज एन एक्ट्रेस? कभी देखने में मुझे आर्ट फिल्म्स का बहुत शौक है, और मुझे प्रशांत जो है आमतौर पर रेकमेंड करते हैं आर्ट फिल्म्स। तो कोई फिल्म देखी आपने हाल फिलहाल में बॉलीवुड की? मैंने पिंक देखी, पीकू देखी, और लास्ट मैंने वो आलिया ने जो क्या कमाल की एक्टिंग की है, गंगूबाई काठियावाड़, रिलेटेड मेरे काम से रिलेटेड है, तो वो मैंने देखी। उसके बाद जो है कभी कभी जब नॉस्टैल्जिया होता है तो कभी खुशी कभी गम देख लेते हैं, कभी अलविदा ना कहना देख लेते हैं। करण की सारी फिल्में मुझे पसंद हैं, करण, मनीष, सलमान खान ने कौन सी फिल्म देखी आपने? आपने शाहरुख का जिक्र किया, आपने सबका जिक्र कर लिया। मैं आमिर और शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हूँ, और जिस तरह की फिल्में और एक्टिंग जो आमिर करते हैं वो बहुत हटके है, और शाहरुख जो है वो अलग ही टाइप के एक्टर हैं और वो एंटरटेन करते हैं लोगों को, और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, आल्सो एज एन एक्टर हमेशा से। शाहरुख, आपने 26 साल की उम्र में बॉलीवुड छोड़ दिया और शाहरुख खान 56 साल की उम्र में जवान फिल्म लेकर आए हैं और इंडिया की सबसे बड़ी ओपनिंग हो गई, आपको पता लगा ये खबर? हाँ मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा मैंने। ओके ग्रेट, आपके आपने कई एक्टर साथ काम किया, संजय दत्त, गोविंदा, ओमपुरी, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, किसी से आपको कांटेक्ट रहा या जब आप जा रही थी तो किसी ने आपको रोकने की कोशिश की? बॉलीवुड में कुछ दोस्त बनाए थे आपने? मैंने देखें आहिस्ता आहिस्ता जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दोस्त कटने लगते हैं, जब आपके दोस्त रियलाइज करते हैं कि ये कटने लगते हैं दोस्त, या दोस्त कटवा दिए जाते हैं कि तुम मेरे साथ हो सिर्फ मेरे साथ रहोगी? हाँ मतलब दोस्त ये सोचते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ये लड़की रह रही है और टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो दोस्त कट भी जाते हैं और दोस्त कटवाए भी जाते हैं। तो मैं जिन लोगों जो मेरी दोस्तें थी, तब्बू, शिल्पा शेट्टी के साथ आओ प्यार किया मैंने की थी स्पेशल अपीयरेंस, सैफ, पूजा भट्ट, और कौन है, तब्बू थी, और एक और मेरी बहुत नजदीक दोस्त थी आयशा झुलका से मेरी बहुत दोस्ती थी, और जो मेरे मतलब कंटेम्पररीज थे मेरे एज के जो लोग थे, तो उन टाइम पे हम लोगों का ग्रुप बनता था, मनियाश या मनीषा से जो है मेरी बहुत दोस्ती थी, और तब्बू से बहुत दोस्ती थी, शिल्पा से दोस्ती थी, और जब मैं गई हूँ पाकिस्तान पहले डैडी के नहीं, तो जब ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही थी
आप फिजिकली अब्यूज हो रही थी, मेंटली हरास की जा रही थी, तो किसी आपकी फीमेल फ्रेंड ने आपको सहारा नहीं दिया? क्योंकि ये तमाम एक्ट्रेस हैं आज भी छाई हुई हैं, तब्बू जी आज भी बॉलीवुड में एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और लगातार उनकी फिल्में आ रही हैं और बहुत कमाल का काम कर रही हैं इस वक्त भी। वो तो तब्बू जैसी एक्ट्रेस तो हमें कहीं नहीं मिलेगी। वो जिस तरह का काम तब्बू करती हैं, वो तो उसका मतलब लफ्ज ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। वो तो नंबर वन अमेजिंग एक्ट्रेस है। मगर मनीषा ने मेरे लिए स्टैंड लिया था और उसने मनीषा ने मुझे स्टैंड लिया था और उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे घर में आके रहना शुरू हो जाओ। और मैंने मनीषा की बात नहीं सुनी, मगर मनीषा ने डेफिनेटली मेरे लिए स्टैंड लिया था। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी और मैं आज तक उसकी आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया सलमान के खिलाफ। और ये मेल एक्टर्स जो थे संजय दत्त, गोविंदा, क्योंकि ये लोग बहुत करीबी भी रहे हैं सलमान खान के, किसी ने भी नहीं शिकायतें हैं आपको? हाँ, किसी ने भी मुझे ना ब्रिंग अप किया डोमेस्टिक वायलेंस, ना कभी पूछा इसके बारे में, ना इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात की। सारे मेल आपने गंगूबाई काठियावाड़ी का जिक्र किया था, उसमें एक सॉन्ग है, सुना है उनको, शिकायतें बहुत हैं। आपकी बातें सुनता हूं मैं तो मुझे पूरी बचपन से जर्नी जो है वो शिकायतों से भरी नजर आती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आई थिंक आपके मॉम के साथ भी कोई ट्रेजेडी हुई थी आपके साथ भी बचपन में, Is that right या गलत हूँ मैं? नहीं, सही है। हमारी जो मम्मी जब छोटी थी तो उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया था बहुत दफा, काफी खानदान वालों के जो आदमी थे, खानदान वाले, एक्सटेंडेड फैमिली। और ये इंडिया पाकिस्तान में आप काफी रईस फैमिली से शायद रही हैं, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा। मेरे फादर फिल्म डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, मदन अली जी, मदन अली, उन्होंने पहले कैमरामैन की हैसियत से काम शुरू किया था, फिर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए थे। और उन्होंने अपने क्लर्क को लेके हीरो बनाया था और उन्होंने अपनी पहली फिल्म से $1 million कमाए थे। और माशाल्लाह उनका करियर जो है एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर बहुत मतलब कामयाब रहा है। अब तो रिटायर हो गए हैं डैडी, मगर मैं पली बड़ी स्टूडियो में ही हूँ, क्योंकि डैडी का जो स्टूडियो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो मैं हर हीरोइन की गोद में जाके बैठ जाती थी। और फिर डैडी के लिए 4 साल की उम्र में मैंने एक नासपान मसाला, एक वो सुपारी का एक कमर्शियल है, वो भी मैंने किया डैडी के लिए, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया। फेरिक्स जो बेबी फॉर्मूला होता है बच्चों का, 9 महीने की उम्र में उसमें मैं कमर्शियल में डैडी ने मुझे लिया था। तो ये स्टूडियो का एनवायरनमेंट तो ये मेरे लिए तो बहुत कॉमन है इसमें। नहीं, तो सुमी, फिर यही सवाल मेरे मन में आता है कि 9 साल तक आप पाकिस्तान में रही, फिर 15 साल की उम्र में आप इंडिया आई फ्लोरिडा से। आपके फादर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, आपकी मॉम ने काफी कुछ देखा था, सो आपको लोगों ने उस दौर में समझाया नहीं या समझा नहीं पाए, रोक नहीं पाए? आप आई और जब ये आपके 7-8 साल का पीरियड था, 1991 से लेकर 97 तक का या 8 तक का, तो इसमें आपके फादर से या मदर से आपकी बात नहीं हो रही थी कि आप इतना कुछ आप झेल रही थी सिर्फ 15 से 22 साल की उम्र के बीच में? मैंने उनको कभी भी नहीं बताया। जब तक मैं वापस नहीं आई अमेरिका, मैंने किसी को कभी नहीं बताया। और डैडी को भी बाद में पता चला। तो उनके रिएक्शन क्या थे पता लगने के बाद? शिद्दत से ज्यादा गुस्सा, और उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ और खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो जो इंसान जैसे करता है वैसा भरता है। और उन्होंने कहा कि किसी के लिए बुरा मत सोचो, जो जो जिसने तुम्हारे साथ जैसा किया है वो वैसा भरेगा, और किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, और जो तुम्हें जितना बोलना था बोल दिया, और तुम्हें अगर नहीं सपोर्ट मिल रहा है कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम्हारे जो है और भगवान या अल्लाह जो भी कह लें सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो तुम्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। अगर ये लड़कियाँ और ये औरतें तुम्हें गंदी गंदी गालियाँ बक रही हैं और तुम्हें कह रही हैं तुम पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो, तो उनको ये नहीं समझ आ रहा। मैं 21 साल से चुप इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मेरा शो बैन नहीं किया था,
जब शो बैन किया तब मेरा खून खौलने लगा, तब मुझे गुस्सा आया। नहीं, बट सोमी, जो शो बैन किया गया उसमें आपने आई थिंक वो पहला मौका था जब आपने फिजिकल अब्यूजमेंट की या फिजिकल जो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसका जिक्र किया, या उससे पहले भी किया था? 90s के हर टैबलॉइड मैगजीन में मैंने बोला है कि एक हेडलाइन है उस पे लिखा है ही हिट्स मी बिकॉज़ ही केयर्स, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ थी, क्योंकि सलमान मुझे ये कहते थे कि मैं उनको पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने ये हेडलाइन जर्नलिस्ट को मैंने ये कोट दे दिया कि ही हिट्स मी बिकॉज ही केयर्स। तो जब डैडी ये फिजिकल जो आपको थप्पड़ पड़े, ये एक बार था या कई बार हुआ ऐसी घटनाएं? क्या चीज, ये एक या दो बार ही ऐसा हुआ या कई बार हुआ है? बार बार नहीं, नहीं बहुत, क्योंकि पब्लिकली ये सारे इंसिडेंट्स हुए, ये कोई छुपे हुए इंसिडेंट्स नहीं है। और भी लोगों ने देखा, कोई बॉलीवुड ने बड़ा नाम जिसने देखा? होटल की लॉबी में हुए इंसिडेंट्स कितनी जगह, मनीषा के साथ हम लोग रेस्टोरेंट में थे, वो जो थम्स अप का इंसिडेंट था कि बोतल तोड़ दी सर पे, वो सब झूठ था। उसमें दिनेश रहेजा जो है वो एडिटर थे आई थिंक मूवी या फिल्म फेयर के कोई मैगजीन के, वो भी वहां बैठे हुए थे, और मनीषा और मैं हम लोग डिनर पे गए थे, और सलमान मुझे नहीं पता था, उन्होंने हमें फॉलो किया, और वो पहली दफा हमने जो मैंने और मनीषा ने हमने अल्कोहल ट्राई की थी। तो सलमान ने कहा तुम क्या पी रही हो, तो मैंने कहा थम्स अप, मगर उस थम्स अप में रम थी। तो उन्होंने जब रम टेस्ट की तो उन्होंने पूरा ग्लास मेरे सर पे उंडेल दिया और पूरा मेरे कपड़े और बाल सब गीले हो गए, बोतल वोतल कोई नहीं तोड़ी थी। तो मनीषा ने कहा How dare you treat a woman like this? How can you treat a woman like this? और मनीषा ने उठ गई और मनीषा ने कहा सोमी you come and stay with me, मेरे घर आओ, तुम मेरे साथ चलो। और मैंने उसकी बात ना मानी, तो उसके बाद हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, क्योंकि मैं सलमान के साथ। आप ये कह रही हैं कि आप प्यार में पूरी तरह से अंधी थी, प्यार में जितनी गलत चीजें आप फेस कर रही थी आपको लग रहा था ये प्यार है, बट वो एक टॉक्सिसिटी थी। एग्जैक्टली, और मुझे ये उम्मीद भी थी, क्योंकि देखिए उस समय मैं बहुत बिलीव करती थी कि एक लड़की जिसका ना कोई जान ना पहचान मायमी फ्लोरिडा से इंडिया आई है सलमान खान से शादी करने, और वो मिल भी चुकी है उसको, रिलेशनशिप भी हो गया है, साथ रह रहे हैं वो, और उनकी शादी भी होने वाली थी वो भी रुक गई, तो ये कैसे हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ना चले? ये इम्पॉसिबल है कि मैं फोकस करती थी कि नहीं ये बदल जाएंगे और अच्छा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। और आपके रिलेशनशिप को आप पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिली थी या सिर्फ आप दोनों तक था? शुरू में पब्लिक एक्नॉलेजमेंट सलमान नहीं देते थे, छुपाते थे सबसे, बहुत छुपाते थे। चार साल तक तो उन्होंने छुपाया, फिर जब मैं उनके घर में शिफ्ट हो गई वो तो फिर सबको पता चल गया, और आगे जाके तो सारे दोस्त वो जो उनके जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे, तो डेविड धवन, लाली धवन मेरी दोस्त हो गई, डेविड की जो वाइफ है, तो सलमान के जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे, मेरा अपना। तो ये जो आपको फिल्में, सोमी एक आरोप ये भी लगता है कि ये जो फिल्में मिली आपको, संजय दत्त, गोविंदा, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, इसमें सलमान खान का भी रोल था रिकमेंडेशन का? बिल्कुल नहीं, पंकज खरबंदा मेरे सेक्रेटरी थे पहले, पंकज के बाद शशि सिन्हा मेरे सेक्रेटरी थे जो चीची के सेक्रेटरी हैं, और पंकज खरबंदा ने मुझे ये फिल्में दिलाई हैं, शुरू में अंत आंदोलन ये सारी फिल्में पंकज खरबंदा ने दिलाई हैं मुझे सलमान से। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 97 के अराउंड आपका ब्रेकअप होता है, उसके बाद आपका फिल्मी करियर भी लगभग खत्म हो जाता है, और भी कई सारी एक्ट्रेस हैं जिनको, जिनके बारे में सलमान खान के रूमर्स या अफेयर की चर्चाएं रही, और हमने देखा कि उन्हें बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में मिली, लेकिन जब वो अलग हुए तो उनकी फिल्मों का ग्राफ काफी गिर गया, जबकि वो बहुत टैलेंटेड, बहुत ही बड़ी स्टार रही है। तो कई सारे मेल एक्टर्स भी आरोप लगते हैं ऐसे कि सलमान से पंगे हुए, कितनी सच्चाई वो हम नहीं जानते, इसलिए हम पूछ रहे हैं। आपको लगता है कि एक बड़े स्टार से लड़ाई करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर आप बॉलीवुड में हैं? अगर बॉलीवुड में है तो डेफिनेटली, अगर आप बॉलीवुड में है तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके आपके करियर बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपको जो है आपको काम से निकाल दिया जाएगा, आपको फिल्मों से निकाल दिया जाएगा, आपका रोल एडिट हो जाएगा कि जैसे आप उस फिल्म में थे ही नहीं, और ये सारा पावर है उन लोगों के पास जो बड़े बड़े टॉप नॉच डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं,
और ये पावर कभी नहीं खत्म होगा, ये जारी रहेगा और बल्कि बद से बदतर होता जाएगा। तो इन लोगों तो के आपने साथ इंडिया आपने कब छोड़ा था? आपकी लास्ट फिल्म कौन सी थी? चुप शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, मैं लास्ट फिल्म ओम जी के साथ थी और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काका जी की रीमेक थी, एक सस्पेंस थ्रिलर आर्ट फिल्म थी चुप, जिसमें जीतू जी थे, अविनाश वाधवान मेरे ऑपोजिट थे और उसमें जीतू जी, ओम जी थे, ओम पुरी जी, और वो मेरी आखिरी फिल्म थी और मैं बहुत मैंने उसमें आज मैं आपके इंटरव्यू से पहले मैं उसका एक डायलॉग सुन रहा था जिसमें आप ओम पुरी जी से बात करती हैं और आप कहती हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं आपकी जो आपने मुझे अपना लिया, तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपकी फैमिली का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस उम्र में, कुछ याद है आपको मेमोरीज? ओमपुरी जी अब नहीं है, कैसे आप याद करती हैं? ओम जी के साथ तो बहुत मेमोरीज याद हैं, उन्होंने कितना सिखाया समझाया इंडस्ट्री के बारे में। चिंटू जी भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ हमने एक फोटो शूट किया तो दोस्ती हो गई और फिल्म स्टूडियोज में हम लोग बम्प इन करते रहते थे आपस में। तो मतलब बहुत लोगों ने अपनाया भी, प्यार भी दिया, मगर लोगों को अंदरूनी जो हो रहा था अगर पता भी था तो वो उस पर जिक्र नहीं करते थे, कभी बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जब ये रेडी होगी छोड़ने के लिए तब ये रेडी होगी छोड़ने के लिए, हम बीच में पढ़ना नहीं चाहते। तो ये लोगों की थॉट प्रोसेस है आमतौर पर। अच्छा, आपने अपने रिलेशनशिप को ओपन कर रखा था शुरू से? क्योंकि आप तो कह रही हैं कि मुझे संगीता से ही प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो आई इसीलिए थी, मुझे शादी करने थे, बच्चे करने थे, तो आपने शुरू से ओपन कर रखा था सबके सामने? मुझे ये सलमान ने कहा था कि किसी को नहीं बताना, तो मैंने सिर्फ अपनी करीबी दोस्तों को बताया था। और वो करीबी दोस्त कौन कौन थे एक्सेप्ट मनीषा कोइराला? पूजा भट्ट को पता था और आई थिंक शिल्पा को भी पता था और कितने लोग थे उस समय, सुनील शेट्टी को पता था, सुनील को मैंने बताया था और जो सैफ को पता था, सैफ जो मतलब जिनके साथ मैं काम कर रही थी उन लोगों को पता था। इनमें से कोई अब करीबी रह गया या बॉलीवुड छोड़ने के साथ सबने आपसे भी दूरियां बना ली? नहीं, बॉलीवुड छोड़ने के बाद सबने मुझसे भी दूरियां बना ली, क्योंकि मैं आपको फिर से ये रिपीट करूंगी कि मुझसे सोमी अली से किसी को कोई फायदा नहीं है, सलमान खान से लोगों को बेनिफिट और फायदा है। नहीं बट सोमी, आप जिस फिल्म को देखकर आई थी इंडिया में उसमें मैंने प्यार किया में डायलॉग था दोस्ती में, नो सॉरी नो थैंक यू नो प्रॉफिट वाला कहानी, तो ऐसी कैसी दोस्ती की आप कह रही है करीबी हैं और वो नफा नुकसान देख रहे हैं? यही दुनिया है, अपने आप में बेशकीमती होती है, यही दुनिया है, दुनिया ऐसी है, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं दुनिया वाले। और जब आप टॉप पे होते हैं और ये मैरिलिन मोनरो से लेके आप किसी को भी, प्रवीण बॉबी को ले लें, किसी को भी ले लें, कि हर इंसान के साथ यही हुआ है। प्रवीण बॉबी का अंत क्या हुआ है आप देखें, वो क्या थी और उनका अंत क्या हुआ है, कहाँ गए उनके दोस्त, कहाँ गए फिल्म इंडस्ट्री वाले उनको हेल्प करने, उनको इंस्टीट्यूशन में ले जाने वाला कोई एक इंसान नहीं था जो उनको दवा देके उनको ठीक कर सकता था, जबरदस्ती ले जाया जाता है ऐसे जो उनको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। मैंने सुना कि वॉशरूम में शायद उनकी डेड बॉडी मिली थी। हाँ, और चार दिन बाद, और वो भी डीकम्पोज हो चुकी थी उनकी बॉडी, उनको डायबेटिक थी, वो उनको गैंग्रीन था पैर में और उन्हें चार दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, उनका अंत क्या हुआ है? इतने बड़े सुपरस्टार, इतनी खूबसूरत, टाइम मैगजीन की पहली हिंदी एक्ट्रेस कवर True. 73 पे, मगर ये मैंने अगर आप, मैं आपको क्या सबूत दे सकती हूँ इंडस्ट्री का? मैंने भट्ट साहब का एक फिल्म आई थी वो लम्हे, जिसमें जब उसका टीजर जारी किया गया था तो उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था भट्ट साहब की आवाज में, महेश भट्ट ने खुद रिकॉर्ड किया था कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो इंडस्ट्री के चार लोग भी नहीं पहुंचे थे कंधा देने के लिए। हाँ, सच बात है। तो इंडस्ट्री अभी भी कोई इतना बदली नहीं है, देखिये लोग बदलते नहीं है, हम लोगों के DNA के अंदर है कि हम सेल्फिश हैं। अब आपकी सेल्फिश का जो बैरोमीटर है वो कितना ऊंचा है कितना नीचा है, देखें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सलमान को ही लेके हम एग्जांपल देते हैं। सलमान बीइंग ह्यूमन से करोड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, सलमान एनिमल्स और बच्चों से बहुत लव करते हैं, सलमान बहुत जेनरस आदमी है। जब आई थिंक कपिल शर्मा का जब आई थिंक आग लग गई थी, मेरी मम्मी ने बताया था, सलमान ने पूरा उसके पैसे दे के उसको हेल्प की है कपिल शर्मा जी को।
तो ये हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, तो जरूरी नहीं है जो इंसान मतलब बुरा हो वो पूरा बुरा हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम देखिए हर इंसान में बस बुराई भी होती है अच्छाई भी होती, कोई अच्छाई भी होती है और अलग अलग लोगों के साथ आप अलग अलग नजरिया रहता है। लेकिन अगर औरतों को केंद्रित में करें हम सोमी, सो अब क्योंकि हम एंड की तरफ चल रहे हैं, एक आउटसाइडर लड़की के लिए कितनी सेफ है बॉलीवुड इंडस्ट्री? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, या सुसाइड केस कहें या डेथ केस कहें, कि उन्हें कुछ लोग लगाते हैं आरोप की मार दिया गया, कुछ लोग कहते हैं सुसाइड कर लिया गया, केस अभी भी चल रहा है, सीबीआई ने क्लैरिटी नहीं दी है, तो उसमें ये बहुत सवाल आया था कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत टफ है, आप या तो मेंटली बहुत फिट हो, आपको तोड़ दिया आता है, आप लड़के हो लड़की हो, और लड़कियों को तो और ज्यादा इश्यूज होते हैं। सुशांत जैसा एक चमकता सितारा जिसने बड़ी बड़ी फिल्में की, हम आपको देखते हैं आप यहां से चली गई, सुशांत नहीं गए तो वो हमारे बीच नहीं है। आपको लगता है कि इन बातों में सच्चाई है, केवल कहानियां हैं, या बॉलीवुड में एक्चुअली चमकीली दुनिया थोड़ी काली है? देखिए मैं ऐसे बातों पे कमेंट नहीं कर सकती जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। मैं सुशांत सिंह को तो मैं जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी फिल्में वो देखती हूँ जो आर्ट फिल्म्स होती हैं, और मुझे पता है वो यंग बच्चा था, बहुत जल्दी नहीं, मेरा क्वेश्चन लड़कियों को लेकर है, क्या लड़कियों के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री सेफ है, आउटसाइडर लड़कियों के लिए जो बड़े बैकग्राउंड से नहीं आती है? इस समय सेफ है, इस समय सेफ है, इस समय लड़कियों में वो जनरेशन जो यंग जो जेन जी जनरेशन है वो जनरेशन नहीं है जो पहली जनरेशन हुआ करती थी। अब जो है और लड़कियां, ये जो यंग लड़कियां हैं वो 20 साल की हैं मगर उनका दिमाग 50 साल का है। आप उनसे हिम्मत कर लें बदतमीजी करने की, पूरे इंस्टाग्राम पर डाल देंगी, वो खरा का खरा कर देंगी। इस मामले में कंगना को देखिए, कंगना कभी भी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती हैं, और उन्होंने कितना सहा है, कितना बर्दाश्त किया, उनके साथ क्या क्या हुआ है, मगर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला, और उन्होंने कामयाबी हासिल की और कितना स्ट्रगल किया, और आज वो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। आप कंगना रनावत को जानती हैं? आपकी बातचीत हुई कभी उनसे? नहीं, मैं उन्होंने मेरा पोस्ट, मैंने उनके बारे में जो एक इंटरव्यू में बोला था वो उन्होंने रीपोस्ट किया और मेरे लिए एक पोएम लिखी, बहुत अच्छी एक पोएम थी कि मैं आपके आपके विंग्स और आपकी आवाज मैं हमेशा बनी रहूंगी, और बहुत मुझे इससे बहुत खुशी हुई, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एड्रेस किया मैं जो बोलती हूँ, और उन्होंने मेरा क्लिप लेके मैंने जिसमें उनकी तारीफ की है वो क्लिप उन्होंने पोस्ट की, रीपोस्ट किया अपने ट्विटर पे। तो मैं तो आप अगर कभी आपको इंडिया आने का मौका मिला तो क्या आप इंडिया आकर कंगना से मिलना चाहेंगी? क्योंकि आपकी नजर में जितना हम सुन पा रहे हैं आप उन्हें बहुत स्ट्रांग वुमेन बता रही हैं। डेफिनेटली जो भी स्ट्रांग वुमेन है उनसे मैं मिलना चाहूंगी, जो स्ट्रांग मैन है जैसे सोनू सूद जो हमेशा सोशल वर्क करते हैं उनसे मिलना चाहूंगी, मैं जो भी अच्छे लोग हैं उनसे डेफिनेटली मिलना चाहूंगी। और जहां तक ट्रोल्स का सवाल है और लोग जो मेरे बारे में बोलते हैं वो तो दुनिया तो लोगों का काम है कहना, ये तो मतलब राजेश खन्ना का गाना है सीता को भी कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, जब सीता भी बदनाम हुई सीता को भी नहीं छोड़ा तो हम क्या है। सोमी की लाइफ अभी कैसी चल रही है? बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर फ्लोरिडा में बैठकर कैसी जिंदगी चल रही है? कपड़े चमकदार हैं, जिंदगी भी चमकदार है? इस वक्त मैं जो हूँ फुल फोकस नो मोर टीयर्स पे करती हूँ, सुबह से रात तक नो मोर टीयर्स पे काम करती हूँ, और मेरा एक सपना है कि मैं इंडिया में नो मोर टीयर्स का एक चैप्टर खोलूं। ये मेरा एक ख्वाब है कि मैं भगवान करे तो मुझे इतना हौसला मिले, इतनी करेज मिले, और इतने हमें नहीं, बट आपकी कहानी में भगवान भगवान बाधा नहीं बन रहे, आपकी कहानी में इंसान बाधा बन रहे। क्या मैं कह रही हूँ कि हमें डोनर्स की जरूरत है तो हम इंडिया में एक चैप्टर खोल सके नो मोर टीयर्स का। ओके जाते आते कोई मैसेज जो बॉलीवुड में लड़कियां जा रही हूं, आप उनकी सीनियर हैं वेटरन हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ, या उन लोगों को जिन्होंने आपका एनजीओ बंद करवाया या फंडिंग रुकवाई, अगर वो सुन रहे हो कि बातें पहुंचती हैं, लोग रिएक्ट करें ना करें कानों में आवाज जाती है, सो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक अच्छा कॉज का जिक्र कर रही हैं कि आपको रोकने में उस कॉज को भी रोकना पड़ा। देखें जो नई लड़कियां हैं
उनको मैं यही कहूंगी कि कभी अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत सैक्रिफाइस नहीं करना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए. ये तीन चीजें हमेशा जो है औरत और आदमी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक दफा आपका रेप्यूटेशन और आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है ना, तो फिर वापस उसको लाना बहुत मुश्किल होती है. तो मैं नई लड़कियों को यही कहूंगी कि अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत कभी मत खोइएगा, चाहे आपको सुभाष घाई भी फिल्म में ले रहा हो, खास तौर पर सुभाष घाई आपको जब फिल्म में ले रहा हो. या आपने अलग से इनका नाम क्यों लिया जी, आपने अलग से सुभाष जी का नाम क्यों लिया, मतलब कोई इसके पीछे भी कहानी है फिर? सबसे टॉप डायरेक्टर है ना वो. ओके हाँ, बहुत कमाल की फिल्में बनाई उन्होंने. कमाल की फिल्म. कर्ज तो मेरी फेवरेट है, कर्ज तो मैं आज तक देखती हूँ, कर्ज तो मेरी फेवरेट फिल्म है. तो और दूसरा आपका क्या सवाल था? एक और सवाल था आपका. एक सवाल ये था कि आपको रोकने के चक्कर में आपने आरोप लगाया कि वो कॉज रुक गया, उन लड़कियों की मदद रुक गई, क्योंकि इंडिया से फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर थी. सो जिन लोगों ने आपके एपिसोड्स रुकवाए, आपकी फंडिंग रुकवाई, उनसे कोई मैसेज, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, वो भी सोशल कॉज कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं. सो कोई मैसेज आप सलमान खान को अगर देना चाहें. मैं सलमान को आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल द बेस्ट टू बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन. और मैं बाकी सब मैं जो हूँ ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं जितना मुझे कहना था और जितना पोस्ट करना था वो मैं कर चुकी हूँ. बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, और मैं कार्मा पे यकीन करती हूँ, और मैं ऊपर वाले पे भी, मुझे बहुत भरोसा है कि जो जैसा करेगा वैसा धरेगा. बस कपिल शर्मा का एक बार शो देख रहा था मैं सुमी, उन्होंने कहा कि मैं सुबह 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 नींद में ट्वीट कर देता हूँ. अच्छा, अब मैं नींद में ट्वीट नहीं करूंगा. आपने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था वो नींद में किया था या पूरे सेंस में किया था या ऐसे कहीं कर दिया था? मेरी हमारी फ्रेंड्स आई हुई थी, मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो हम लोगों ने वाइन पी गए थे हम लोग. तो तो हम लोग, मैं वाइन अल्कोहल नहीं पीती हूँ, तो मैंने कभी कभी जब पी लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ तो मुझे बहुत जल्दी हिट हो जाती है. तो मैंने दो ग्लास वाइन पी लिए थे, तो और बात मेरी अमेरिकन फ्रेंड्स थी, और बात निकली किसी तरह सलमान के ऊपर. तो उन्होंने कहा चलो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, तुम पोस्ट करो, ये कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ. तो जब मैं सुबह उठी तो प्रशांत बेचारा, उसके 50 फोन कॉल थे, और उसने कहा कि डिलीट करो अपना पोस्ट, भगवान के लिए डिलीट करो. मैंने कहा अच्छा मैं डिलीट करती हूँ. अच्छा, वो सच था या झूठ था जो मैंने लिखा था? हाँ जी बिल्कुल सच था. मतलब ये वैसी कहानी हो गई जैसे हम यहाँ इंडिया में देखते हैं कि भाई भाई आज भाई ने पी ली तो पहला काम गर्लफ्रेंड को फोन लगाया कि यार तेरी याद या कुछ ऐसा, तूने ऐसा क्यों किया. ये मुझे लग रहा है इसका रिवर्स वर्जन था, ये सोमी अली का रिवर्स वर्जन था. हाँ, कि गर्ल गैंग में बातें हुई और सीधे आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया. ये बदले का पोस्ट था, बदले का पोस्ट. ओके हाँ. अच्छा, आपको सलमान खान के नाम ने कितना परेशान कर रखा है? बिकॉज मैं जहां देखता हूँ आपके आर्टिकल सलमान के नाम पर, आप कह रही हैं कि फ्लोरिडा में दोस्त भी आपके सलमान के ऊपर ही बात करती है. So, आपको नहीं लगता कि now it's high time to move on, like 21-23 साल हो गए? मैं तो बोल-बोल के थक गई हूँ जर्नलिस्ट को कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई. मेरे जाने के बाद सलमान की कोई 50 गर्लफ्रेंड्स हो चुकी हैं. अब कितना अरसा हो चुका है, कितना समय बीत चुका है, अब भूल जाओ. अब इसको लेके क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? कोई नया किस्सा निकालें, कोई नई कॉन्वर्जेशन करें. कितने अलग अलग बातों पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्यों उसी? मगर सलमान क्योंकि बिकते हैं, उनका नाम है, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो जर्नलिस्ट जो हैं उन्हीं की बातें करते हैं. सोमी को मोहब्बत है या खत्म हो गई? खत्म. एक सेकंड भी आपने लिया बोलने में? ऑफ कोर्स. मुझे लगा कम से कम एक पॉज तो लेंगी आप. नहीं बिल्कुल नहीं, खत्म. और ऐसी खत्म कि मैं जब मैं खत्म करती हूँ तो मैं खत्म ही कर देती हूँ, चाहे वो कोई और शख्स, कोई और शख्स जिंदगी में, चाहे वो इंटीमेट, नहीं कोई नहीं है, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो. अगर आपने मेरे साथ बिट्रेयल, डिसीट, झूठ बोला है, मेरी पीठ पे छुरा भोंका है, तो खत्म तो मतलब सारी उम्र के लिए खत्म. बस देखिए, मैं इसी नोट पे खत्म कर दे रहा हूँ कि सोमी अली की लाइफ में कोई है नहीं, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में अब आपको शायद मैसेजेस करना शुरू कर देंगे. आप बताना चाहेंगी अगर आप कोई आपको मैसेज करे तो क्या क्वालिटीज आप देखने वाली हैं? क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अभी भी आप बहुत खूबसूरत हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत आपकी एहसान मंद हूँ। अब जब मैं इंडिया में नो मोर टीयर्स का चैप्टर खोलूंगी तब फिर हम देखेंगे, तब बात करेंगे। चलिए हम इंतजार करेंगे और आशा करेंगे अगली बार जब हम बात करें तो आपके उस इश्यू पर बात करें। आपको आपके उस सोशल कॉज के लिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो आपने बीड़ा उठाया है वो आसान नहीं है। आप जिंदगी में तमाम परेशानियों से गुजरी, आपकी मॉम, आपने तमाम सफर किया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लोग बदलते हैं, वक्त के साथ ज्यादा मैच्योर होते हैं। तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सोमी, और इसी तरह से आप बेबाक रहिए, बाकी जैसा आपने कहा ऊपर वाला सब दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।